नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम गणतंत्र का इतिहास में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम सभी 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराकर गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। जिस भारत में आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उसकी नींव भारत माँ के वीर सपूतों ने रखी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों शहीदों के नाम शामिल हैं। वो वीर अपनी माँ की गोद सूनी कर भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे गए। आज इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ अनकही बातें, साथ ही बताएंगे आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया गणतंत्र दिवस के रूप में। आइए जानते हैं। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। 26 जनवरी सन 1949, जब भारत का निर्माण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हुआ, और ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक घटना बनकर साकार हुई। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो उनमें कुछ ऐसी यादें बसी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और उन्हीं में से याद है 31 दिसंबर 1929, वो रात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल की गई थी। इस सत्र की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बैठक में उपस्थित सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के शासन से भारत को आजाद कराने और पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता को साकार करने के लिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक ऐतिहासिक पहल बनाने की शपथ ली थी, जिसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेज कैबिनेट मिशन ने भाग लिया। भारत को एक संविधान देने के विषय में कई चर्चाएं, सिफारिशें और वाद विवाद हुए। कई बार संशोधन करने के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, जो 3 वर्षों के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, लेकिन इस स्वतंत्रता की सच्ची भावना को प्रकट किया 26 जनवरी 1950 को, जब भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पहली परेड हुई। इस तरह गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। अब बारी आती है आपको ये बताने की कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया। सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी पूरी आजादी या कई अहम अधिकार नहीं देगी, तो भारत खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इस मांग को अंग्रेजी सरकार ने नहीं माना। तब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, साथ ही अपने आंदोलन को भी तेज कर दिया गया। उस दिन से भारत के आजाद होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। चूंकि हमें अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, इसलिए इसे ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। पर सत्ता उस वक्त पूरी तरह से जनता के चुने प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं आई थी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
तैयार भी नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर किया गया और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इस पर साइन किए गए, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को ही किया गया ताकि 26 जनवरी का महत्व कम ना हो, और इस प्रकार 26 जनवरी बनी भारत के संविधान की गवाह। इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए लोग इस दिन का बड़े उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं। इस समारोह की तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन राजधानी नई दिल्ली में खास प्रबंध किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ होती है। इसके बाद तीनों सेनाओं द्वारा परेड, राज्यों की झांकियों की प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण, मार्च पास्ट आदि क्रियाएं होती हैं। पुरस्कार वितरण में पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र आदि पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसके साथ ही इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आसियान नेताओं को आमंत्रित किया गया है, और खास बात यह भी है कि इस साल आसियान के भारत समूह के साथ 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर सेना के जवानों द्वारा आसमान में एयर शो भी किया जाता है, जिसे देखना अपने आप में एक गर्व की बात है। इस दिन हर भारतीय को ये प्रण करना चाहिए कि वो अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेगा, देश की समरसता और शांति को बनाए रखेगा, साथ ही देश के विकास में सहयोग करेगा। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान देश का हिस्सा है जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया जो देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर वीर गति को प्राप्त हुए और अमर हो गए। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सभी यही प्रयास करें कि हमारे देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।